रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, अरे न जाने क्या कर रहा है आदमी। और आज आज लग गई है न जाने किसको किसकी नजर, कि आदमी से दूर होता जा रहा है आदमी। वैसे तो प्रेम भाव है लेकिन पहले जैसा कुछ भी नहीं है, ना पहले जैसा खान पान, ना पहले जैसा पहरावा और ना पहले जैसे लोग। सुनिएगा क्यों, कि जीना है हंस के हमें, जीवन का हर पल, और कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। कल किसी ने देखा है, सपने हम बहुत बड़े बड़े सजाते हैं कि हम ये करेंगे अपने जीवन में, वो करेंगे, लेकिन होता वही है जो माँ चाहती है, जो ऊपर वाला चाहता है। रब जो चाहे वही तो होना, रब जो चाहे वही तो होना है। क्यों आदमी क्या है, जरा जोर से बोलिए, आदमी जो चाहे वही तो होना। क्योंकि आज पता है आपस में लोगों में प्यार क्यों नहीं है, मैं सबसे बड़ा कारण मानती हूँ मोबाइल फोन को। आज सबके पास स्मार्टफोन है, पहले के जमाने में लोग जब चार लोग साथ में बैठते थे तो आपस में बातें किया करते थे, आज चार लोग साथ में तो बैठते हैं लेकिन सबका ध्यान फोन में होता है। हर 10 सेकंड पे अपने फोन को लोग चेक करते हैं कहीं किसी का मैसेज तो नहीं आया। पहले भैया जब कोई किसी से नाराज हो जाता था, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग किसी को डांट देते थे, तो छोटे लोग पांव पकड़ के कान पकड़ के माफी मांगते थे और तब तक मांगते रहते थे जब तक वो माफ नहीं कर देते। लेकिन आज का दौर कैसा है, आजकल लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, अगर बड़े नाराज हो गए एक बार मनाएंगे, दूसरी बार नहीं माने तो नए रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं, पुराने लोगों को लोग भूल जाते हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि तृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, और नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान, बस किसी बात का ही तो रोना है, बस किसी बात का ही तो रोना है। क्योंकि जीवन में इंसान एक बार आता है, सिर्फ एक बार आता है, फिर न जाने उसे कब मनुष्य का जन्म मिले ये कोई नहीं जानता। क्योंकि कहते हैं 84 लाख योनि के बाद इंसान को मनुष्य का जन्म मिलता है। तो आइए, मेरा संदेश सिर्फ इतना है कि जीवन में एक बार आए हैं और एक बार जाएंगे। क्यों, कि जीवन का क्या है ठिकाना, जीवन का क्या है ठिकाना, आज आए हो तो कल है। आज आए हो तो कल है, जाना सबको पता है कि जाना है। तो मैं कहती हूँ जितना जीवन मिला है उतना जीवन सिर्फ प्यार में गुजारिए। क्यों, कि जाते जाते प्यार कर लो जी, मैया का दीदार कर लो जी, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। क्योंकि आज का जो जमाना चल रहा है, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक
जिसने पैदा किया उस माँ को भुला देते हैं लोग। ऐसा जमाना है, तो मेरा एक छोटा सा संदेश है कि दुनिया में सब कुछ करें, सब कुछ करें, लेकिन अपने माँ बाप को कभी तकलीफ ना दें, वरना भगवान किसी को कभी माफ नहीं करता। उस इंसान को नर्क में भी जगह नहीं मिलती जो अपने माता पिता का नहीं होता, और उस इंसान का स्वर्ग यही है जो अपने माँ बाप का है। जिसने अपने माँ बाप को पूज लिया, उसे जीवन में किसी और को पूजने की जरूरत नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलना, अपने अपने माता पिता की। तो आइए सुनिएगा कि जीवन का क्या है ठिकाना। एक माँ बाप
एक कमरे में अपने चार बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो चार कमरे में एक कमरा अपने माँ बाप को नहीं दे पाते। और ये सत्य है, आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, मैंने तो देखा ही है। इसलिए इस दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं जाता। कहते अपनी पत्नी साथ देती है तो केवल मकान तक, बेटा साथ निभाता है तो अग्निदान तक, अपनी बेटी साथ देती है तो कन्यादान तक, चार रिश्तेदार नातेदार साथ निभाते हैं तो केवल शमशान तक, उसके आगे कोई किसी के साथ नहीं जाता। तो भाई और भतीजी कोई काम नहीं आएंगे, भाई और भतीजे कोई काम नहीं आएंगे, तुझे दूर से सुबह निकलते हैं कहीं भी जाते हैं तो छूते हैं। हमारी हम लोग में हमारे में तो ऐसा चलता है कि लड़कियों से पैर नहीं छुआते माता पिता, बाकी और लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलते हैं, क्योंकि कहते हैं तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। अरे ले जा, माता पिता की दुआएं तेरे काम आएंगी। इसलिए सुनिए, माँ के लिए कहना है क्या कि माँ के पाओ सपावन, माँ के पाओ सपावन, कोई पावो नहीं, माँ के आंचल से ठंडी कोई छाओ नहीं, माँ के पाओ से पावन कोई किस वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं,